नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर के भाई को हिरासत में ले लिया है शाह आलम को और उसे पूछताछ कर रही है। शाह आलम पर नॉर्थ दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप है। हमारे संवाददाता रुमानुल्ला खान और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन पहले से ही दंगे भड़काने और अपनी फैक्ट्री को दंगों के लिए इस्तेमाल होने और साथ ही साथ अंकित शर्मा, आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के हत्या के आरोपों में पुलिस हिरासत में है और अब ताहिर के भाई शाह आलम को भी यहां पर हिरासत में ले लिया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ताहिर गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ ही ताहिर का भाई शाह आलम जो है वो भी अब पुलिस की हिरासत में है। हमारे साथ रुमानुल्ला खान और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद हैं। रुमान, कैसे ये गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ लिंक अब पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी? ताहिर की गिरफ्तारी के बाद से शाह आलम का नाम सामने आया था। कई वीडियो फुटेज थी जिसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि गोली चलाते हुए वो देखा गया है और कई तफ्तीशों के भी बयान थे के दौरान गोली चलाई थी। मतलब ताहिर हुसैन के साथ उसका भाई शाह आलम भी दंगों को भड़काने की साजिश में शामिल था और शाह आलम की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। इनके पैतृक गांव छापेमारी की गई थी और दिल्ली में भी कई जगह पर छापेमारी की गई थी, जिसके बाद आलम को क्राइम ब्रांच की टीम ने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। ब्रांच के सूत्र कह रहे हैं कि जल्द ही शाह आलम को भी गिरफ्तार किया जाएगा। से जो कुछ पूछताछ की जा रही है उसमें जो कि शाह आलम के तौर पर सामने आई है, जो तमाम कड़ियां टूटी हुई थी वो दी गई है क्राइम ब्रांच को और किसी नतीजे तक जल्दी क्राइम ब्रांच पहुंचेगी और जो साजिश थी दंगों की। जी, तो इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। तो अब ताहिर का भाई शाह आलम भी गिरफ्तार हुआ है। शाह आलम पर फायरिंग करने, दंगे भड़काने के आरोप है नॉर्थ दिल्ली में और अब ताहिर और शाह आलम को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी।